नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था ताकत के बारे में, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, जिसमें हमने उसका उद्भव विकास और उसके अध्ययन के स्रोत, उसका कालक्रम, ये सब देखा था। और उसके अलावा हमने देखा था उसकी ध्वनि संरचना और व्याकरणिक संरचना। आज हम उससे आगे बढ़कर देखेंगे उसकी शब्दकोशीय प्रवृत्ति और उसके प्रकार, प्राकृत के कौन कौन से प्रकार हैं वो देखेंगे। पहले देख लेते शब्दकोशीय प्रवृत्ति, यानी कि उसके शब्दकोश में क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे उसका शब्दकोश बदला, उसमें क्या नई चीज़ जुड़ी, क्या पुरानी रही पाली से आगे बढ़ने में। ठीक है, जो पाली की जो शब्दकोशीय प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत अपन को देखने को मिलेगा कि पाली के अंदर कुछ कुछ क्या हुआ, कि सरलीकरण के चक्कर में पाली को इतना सरल करने की कोशिश की गई कि वो अर्थ का अनर्थ हो गया। घर में आपने वो देखा होगा, कील देखी होगी, वो नट वाला बोल्ट स्क्रू, उसको जब ज़्यादा टाइट कसते हैं तो वो उसकी चूड़ी मर जाती है। वैसे ही इसमें भी वही हुआ कि उसको ज़्यादा आसान करने के चक्कर में उन्होंने उसको इतना आसान कर दिया, इतने शब्दों का मिश्रण हो गया कि अर्थ का अनर्थ होने लगा। जो अलग अलग शब्द थे उनका भी एक ही अर्थ निकल रहा है, एक ही शब्द रह गया। तो उसके लिए उसमें क्या हुआ, जो तद्भविकरण हुआ था भाषा का, जिसमें जो संस्कृत के शब्दों का आसान सरल रूप बनाया गया, तो पाली में ये हुआ कि जब इतने आसान कर दिए गए शब्द तो उसमें एक समानता या फिर एक निरर्थक भी हो गए, कई कई शब्द जिनके कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्द हो गए, तो उनमें वापस तत्समीकरण किया गया, यानी कि वापस उसको पुराने ढर्रे पर लेके जाया गया जिससे कि उनका अर्थ स्पष्ट हो सके। ठीक है, प्राकृत की शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ, जो मूल विशेषता है इस काल में जो देखने को मिलती है वह संस्कृत के जो सरलीकरण प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तित हुए थे, जो पाली के अंतर्गत जो शब्द बने थे पाली भाषा में, उनका क्या किया गया, वापस से तत्समीकरण किया गया। इससे क्या हुआ कि जो शब्द तद्भव के रूप में या फिर आसान हुए थे उनका वापस से संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों से और उनको वापस से वैसा बनाया गया दूसरा ही। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो संस्कृत से जो शब्द सरल किए गए थे उनकी ध्वनि एक जैसी हो गई, सामान्य होने के साम्य होने के कारण उनके दो अलग अलग शब्दों को अलग करना मुश्किल हो गया। जैसे दो शब्द अलग अलग शब्दों का आसानीकरण करने के चक्कर में उनकी ध्वनि साम्य हो गई, एक जैसे दिखाई देने लगे, वो शब्द एक जैसे बोले जाने लगे, तो उस कारण अर्थ का अनर्थ होने लग गया और अन्य शब्दों से अलग करने मुश्किल हो गए। इसलिए शब्दों के पुनर्तत्समीकरण की ये समीकरण की प्रवृत्ति अपभ्रंश में देखने को मिलती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि उचित और उदित दो शब्द थे संस्कृत के अंदर, इनका क्या हुआ पाली के अंतर्गत जब इनको बदला गया आसान करने के लिए, तो दोनों शब्दों का ही उदित हो गया। क्या हो गया, उदित, उचित को भी उदित बोले जाने लगा और उदित का भी उहित कहा उच्चारण होने लगा। तो दोनों शब्दों का ही एक ही उच्चारण होने लगा, तो इससे अब कोई किसी को उचित बोलना होता था और किसी को उदित बोलना होता था, तब इसमें शब्दों में अंतर नहीं रह गया। उहित ही दोनों शब्दों का एक मतलब निकालता है। अब किसी ने उचित बोला होगा, सामने वाले ने उहित उहित की जगह उदित समझ लिया, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए उसमें उन्होंने वापस से बदलने की कोशिश की गई। इसके अलावा क्या है कि कुछ कुछ शब्द ऐसे बने कि उनके अंदर जब स्पष्टीकरण की तत्समीकरण की जरूरत इसलिए हो गई कि कुछ शब्दों का आसानीकरण के चक्कर में उनका जो अर्थ था वो खत्म हो गया, निरर्थक हो गए वो शब्द। ठीक है, जैसे अति और अई, अति का अति से अई हो गया, अब अई का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था और इसलिए वो सब निरर्थक हो गया, इसलिए वापस इसको अति करना पड़ा पुराना।
ठीक है। इसकी एक प्राकृत की एक ही महत्वपूर्ण विशेष शब्दकोशीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि इसमें शब्दों के तत्समीकरण वापस होने लग गए, वापस से तत्समीकरण होने लगा। अब देखते हैं कि प्राकृत के भेद कितने हैं, कैसी कैसी प्राकृत बनी, क्योंकि प्राकृत जनभाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी। तो पहली बार क्या होता है कि संस्कृत में के और पाली के बाद में पहली बार ऐसा होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाने लगी और वो सारी की सारी प्राकृत के अंदर आने लगी। ठीक है कि प्राकृत के अंदर वो भाषा आने लगी। तो इसमें अपन ने जो पहले देखे थे, कई लोग इसमें 5 भेद मानते हैं प्राकृत के, कई मानते हैं 7 भेद। अपन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य मुख्य 5 भेद मानते हैं जिसमें क्या क्या है, अर्धमागधी, अर्धमागधी, मागधी शौरसेनी, ठीक है, और इसके अलावा एक हो गई पैसाची, अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी, पैसाची और लास्ट वाली हो गई महाराष्ट्री। ठीक है, ये 5 भाषाएं प्राकृत की 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। और इसमें अगर अपन देखते हैं इन 5ों के अलावा 2 और कौन से रूप देखने को मिलते हैं, तो उसमें अपन को देखने को मिलते हैं, एक तो देख लेते हैं ये मागधी, अर्धमागधी शौरसेनी पैसाची और महाराष्ट्री। अब इसमें क्या हुआ, मागधी जो भाषा थी उससे क्या हुआ, किसी भाषा का विकास हुआ, फिर भी आगे जाके यही जो प्राकृत है वो अपभ्रंश में भी आगे बढ़ती है, और उसके अलावा साथ में अपभ्रंश से होके इनके आधुनिक जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका विकास होता है। जैसे मागधी से क्या होता है, मागधी से कौन सी भाषा बनती है, मागधी से बनती है बिहारी हिंदी। ठीक है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भाषाएं जो क्षेत्रीय बोलियां उससे वहाँ की वो आती है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। और मागधी से और कौन सी भाषा बनी, ये तो हिंदी की बोलियां 3 हो गई, जो बिहारी हिंदी है ये हिंदी भाषा के अंदर आती है। ठीक है, हिंदी की उपभाषा है। और इसके अलावा जो और भाषाएं बनी वो कौन सी बनी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये बनी मागधी अपभ्रंश से, जो मागधी प्राकृत है उससे। ठीक है, उसके बाद में अर्धमागधी प्राकृत है, अर्धमागधी प्राकृत के अंतर्गत उससे कौन सी भाषा बनी, उससे पूर्वी हिंदी बनी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आने लगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा जो शौरसेनी अपभ्रंश है, शौरसेनी से बनी राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती, ये 3 भाषाएं बनी। कुछ लोग इसमें पहाड़ी को भी जोड़ते हैं कि भाई पहाड़ी भी आई, ठीक है, पहाड़ी भी के शौरसेनी में गिनते हैं। तो अपन 3ों की देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब इनमें से पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती है, क्षेत्रीय बोलियाँ, उसमें आती है बुंदेली, हरियाणी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बांगरू और खड़ी बोली। ठीक है, और राजस्थानी के अंदर कौन सी आती है, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी और मारवाड़ी। और पहाड़ी के अंदर आती है कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली, और ये भाषाएं आती है। इसके अलावा 2 और, महाराष्ट्र जो है उससे मराठी का विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा 2 और भाषाएं मतलब ये प्राकृत मानते हैं लोग, एक तो मानते हैं खस, ठीक है, जिसमें जिससे विकास हुआ नेपाली और पहाड़ी हिंदी का। ठीक है, खस अपभ्रंश से मानते हैं, प्राकृत से मानते हैं, पर कुछ लोग, ज़्यादातर लोग इसको जो शौरसेनी अपभ्रंश है उसी के अंदर रखते हैं। और एक और है
ब्राचड़, इससे हुआ था सिंधी भाषा का विकास। ठीक है, ये अपन देख लेते हैं बस मामूली सा। आज हम ऊपर वाली जो ये पांच चीज जो प्राकृत हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे, ये खस और ब्राचड़ का नहीं करेंगे, कोई जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, प्राकृत के भेद कैसे हुए, मैंने बताया, जैसे बताया कि क्षेत्र जनभाषा थी, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में जो बटे हुए थे राज्य, अलग अलग जहाँ क्षेत्र थे वहाँ पे जनभाषा के रूप में इनका विकास हुआ और आगे इनके अंदर साहित्य लिखा जाने लगा तो इनको भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, जनभाषा का स्वरूप क्षेत्र की दृष्टि से धीरे धीरे बदलता रहता है, अतः उसके भेदों की संख्या भी निश्चित करना मुश्किल होता है। और कई लोगों ने क्या किया, इसके जो प्राकृत है उसके कई सारे रूप बना दिए। किसी किसी ने 27 और 42 माना, 27 से लेकर 42 तक निश्चित किया गया, 27 से लेकर 42 के बीच में कोई भी संख्या कई कई विद्वानों ने अलग अलग बताई। कम से कम 27 प्राकृत बताई और ज़्यादा से ज़्यादा 42 प्राकृतों के बीच में उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय भाषा के अंदर कितनी प्राकृतें हो गई थी। ठीक है, जो वरुचि है, वरुचि नामक विद्वान है, उन्होंने प्राकृत के चार प्रकार माने हैं। एक तो शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, मागधी प्राकृत और पैशाची प्राकृत। ठीक है, और जबकि आधुनिक आर्य भाषा वैज्ञानिक थे धीरेन्द्र वर्मा, उन्होंने कहा कि ये चार प्राकृत है, उसके साथ साथ एक और प्राकृत है अर्धमागधी प्राकृत, उन्होंने एक अर्धमागधी प्राकृत को और इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल प्राकृत कितनी हो गई, शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची और अर्धमागधी, कुल मिला के पाँच प्राकृत हो गई हमारे पास। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा किस लिए होती है, क्योंकि जब उस भाषा में जब साहित्य उपलब्ध होता है पर्याप्त मात्रा में और लेखिक और मौखिक दोनों साहित्य जब उस समय मौजूद होते हैं तो लोक साहित्य और जो साहित्यिक विधा के अंदर साहित्य लिखा जाता है वो दोनों, तो उसको फिर भाषा के अंतर्गत गिना जाता है। और पांच वैश्विक कहे जाते हैं, इनके आपसे देख लेते हैं। जो पैशाची प्राकृत है वो कहाँ की भाषा है, ये पश्चिम उत्तर पंजाब, अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान माना जाता है इनका क्षेत्र। ठीक है, ये पंजाब पश्चिम की जो पंजाब है, पश्चिम उत्तर पंजाब, अफगानिस्तान, चीनी और तुर्किस्तान। ठीक है, ये भाषा क्षेत्र है इसके, और इसका जो अन्य नाम है इसको भूत भाषा भी कहते हैं, इस भाषा का भूत भाषा भी कहते हैं इसको। इसकी मूल विशेषता क्या क्या है, इसका जो ऋण है वो न हो जाता है, इस भाषा में जो ऋण है वो न हो जाता है, जैसे गुण गुण का गुण हो जाता है, और इसमें र और ल का जो आपस में जो भेद है वो हट जाता है, उसकी जगह दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होने लगते हैं। ठीक है, जैसे फल है तो फल का फर, और जो ल है उसका कई जगह पे ळ हो गया है, जैसे कमल है तो कमल की जगह कमळ ये बोला जाने लगा। ठीक है, ये जो जो संस्कृत की जो ल ध्वनि है उसका उपयोग यहाँ होने लगा है इस प्राकृत के अंतर्गत। इसके अलावा जो पुल्लिंग एकवचन करता है, जो एकवचन करता था पुल्लिंग का, उसमें अ की जगह पे अह के स्थान पर ओ का प्रयोग होने लगा, जैसे नरह की जगह नरो का इस्तेमाल होने लगा। ये थी आपकी जो पैशाची प्राकृत। अब देखते हैं अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत के अंतर्गत जैन, जिसको जैन अर्धमागधी भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें जो जैन साहित्य है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जैन साहित्य उपलब्ध होता है, और इससे हिंदी की एक उपभाषा पूर्व हिंदी का विकास होता है अर्धमागधी से। ठीक है, ये पहले अभी अर्ध ये जो अर्धमागधी अभ्र प्राकृत है ये आगे अर्धमागधी अपभ्रंश में विकास होगी, और जब आधुनिक आर्य भाषा में आ जाएगी, जब हिंदी भाषा क्षेत्र में आ जाएगी तो एक हिंदी की उपभाषा पूर्वी हिंदी का इससे विकास होगा, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन तरह की बोलियां आएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन तीनों का इससे विकास होता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या है, इसमें अपन देख लेते हैं। विशेषता जो क है उसका ग हो जाता है, जैसे प्रकल्प का पग्ञप हो गया, जो श है श का श, जो श और श है दोनों का स हो जाता है, जो श है और श है दोनों का स हो जाता है, जैसे श्रावण का सावन श्रावण हो जाता है, मूषक का मूष हो जाता है, और इसमें क्या है कि जो य है उसकी जगह पे ज इस्तेमाल होने लग जाता है, जैसे यौवन का जोवण,
जोड़ हो जाता है, य की जगह पे ज का इस्तेमाल होता है। अब एक दूसरी प्राकृत है, तीसरी प्राकृत, जिसका नाम है मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत के अंतर्गत क्या है, इससे बिहारी हिंदी का विकास होता है। बिहारी हिंदी के अलावा और कौन सी भाषाओं का विकास होता है, एक तो बांग्ला, उड़ीसा, जो उड़ीसा की उड़िया भाषा है, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा का भी इसमें विकास होता है, इस मागधी अपभ्रंश से। और जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत अपन को तीन तरह की इसमें भी भाषा देखने को मिलेगी, जो भाषा नहीं इसमें बोली कहेंगे, क्षेत्रीय बोली कही जाएगी उसमें, जिसमें कौन कौन सी है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीन बोलियां देखने को मिलती है। बिहार हिंदी के विकास की पृष्ठभूमि दिखाई देता है। अशुघोष के नाटकों में इसकी प्रारंभिक उदाहरण दिखाई देते हैं, जो अशुघोष राइटर है उसके नाटकों में इसके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, इसके प्रारंभिक जो उदाहरण है वो देखने को मिल सकते हैं। इस भाषा की विशेषता क्या है, जो अह है, अह का अ हो जाता है, ए हो जाता है, देवह का देवे हो जाता है, जो र और ल का र का ल हो जाता है, जैसे राजा का लाजा, लाया, राजा का लाया हो जाता है, क्योंकि ज का भी यह हो जाता है, इसमें ल का र का ल हो जाता है और ज का यह हो जाता है, तो इसके कारण जो राजा था उसका लाया हो गया, ठीक है। जो जानती जानाती है उसका यानादि हो गया, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और घ, ज्र, और य के, इनका य में आधा य और पूरा य में रूपांतरण हो जाता है। द्वित्वीकरण, द्वित्वीकरण जो अपने देखा था, द्वित्वीकरण उसकी यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। द्य का और ज्र का, रज्र का ये हो जाता है, जैसे अद्य का अय्य हो गया, अर्जन का अय्यन हो गया, आर्य का अय्य हो गया, ठीक है। तथा कई ध्वनियों के स्थान पर सघोषीकरण के रूप में द का आगमन हो जाता है, ठीक है, जैसे गच्छति का गच्छद्दी हो गया, ठीक है, यानी कि तो इसमें क्या हुआ, सघोषीकरण के रूप में द का आगमन हो गया। सघोषीकरण किसे कहते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि भाषा में जो ध्वनि है संरचना उसमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक तो सघोष व्यंजन और अघोष। सघोष में क्या होता है, जो अपने स्वर तंत्र है जो गले के आसपास, जो उसमें जब जो सब जिन शब्दों को बोलने से कंपन उत्पन्न होता है उसको सघोष कहते हैं, यानी कि किसी कंपन के साथ वो आवाज़ बाहर निकलती है, ठीक है। और दूसरा होता है अघोष, जिसमें कंपन नहीं होता। तो ये कौन से शब्द होते हैं, वर्णमाला के जो व्यंजन है उसका पहला और दूसरा अक्षर, जैसे कौन से हो गया, पहला और दूसरा, क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, इसके साथ में कौन से हो गए, श, श और स, ये तीनों स, ये हो गए अघोष में। और इसके जगह जो घोष है उसमें कौन कौन से आ गए, तीसरा, चौथा और पांचवा जो शब्द है, जो क ख ग में जैसे अपन लिखेंगे क और ख, यानी ये पहला और दूसरा शब्द तो आ गया अघोष में, और जो तीसरा और है ग, घ और ड, ये तीन आ गए घोष। इससे क्या है, ये ग, घ और ड बोलने से आपके गले में कंपन होता है, आप बोल के देख लीजिए, क और ख में नहीं होता है। तो ये हो गया घोष और ये अघोष शब्द, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया, जो घोष है उसमें य, र, ल, व और ह ये भी आते हैं, और इसमें आता है श, श और स, ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे देखो आपने, इसमें क्या हो गया, सघोषीकरण रूप में द आ गया। द कहाँ पे आया, जैसे गच्छती है तो ती की जगह पे त की जगह पे द आ गया, गच्छती की जगह गच्छच्दी हो गया, ठीक है।
और मागधी प्रकृत में उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम के लिए हके और अखय का प्रयोग देव होने को देखने को मिलता है। ठीक है, शोरसैनी प्राकृत के अंदर देखते हैं अपन, जैसे राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, और कोई के लोग विद्वान इसे पहाड़ी भी इसी इसी से विकास मानते हैं, पहाड़ी पहाड़ी बोली का भी, भाषा का भी, जो प्राकृत मथुरा के आसपास के प्रदेश शोरसैन की भाषा रही है, ये शोरसैनी भाषा शोरसैनी प्राकृत। इससे पश्चिमी हिंदी की बोलियों ब्रज भाषा कोरवी हरियाणी आदि का विकास हुआ है। ठीक है, राजस्थानी से कहा कि वैसे से हुआ है। ये प्राकृत संस्कृत की परंपरा के सर्वाधिक निकट है, ये जो प्राकृत है वो संस्कृत की जो परंपरा चली आ रही थी उसके निकट है, उसके पास में है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, अह का ओ हो गया, ठीक है, देव का देवो हो गया, जो अल्प प्राण अघोष है व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण में भी अंतर देख लीजिए। अल्प प्राण कौन से हैं, जिनसे जो वो शब्द व्यंजन, वो व्यंजन जिनको मुंह से बोलने में कम हवा निकलती हो, और महाप्राण हो गए जिनसे हवा ज़्यादा निकलती है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, अल्प प्राण में आ जाते हैं उस वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आ जाते हैं, और महाप्राण में आ जाते हैं दूसरा और चौथा अक्षर, इसमें ख और घ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे ये पूरे इसमें, और इसके साथ साथ जो अल्प प्राण है उसमें आ जाएगा यर ल वह, यर ल वह, यर ल वह, यर ल वह, और इसमें आ जाएगा श श और स, ये तीन, और जो ह है वो इसमें आएगा। ठीक है, ह में बोलने में भी ज़्यादा हवा निकलती है, तो ये चीज़ें जो हैं ये इनमें आ जाएगी। ये हो गए अल्प प्राण, जिनमें कम वायु निकलती है मुंह से बोलने से, और ये हो गए महाप्राण। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जो अल्प प्राण अघोष था जिसमें गले में कंपन नहीं होता और जो मुंह से बोलने से हवा भी कम निकलती है, उन व्यंजनों के स्थान पर क्या हो गया, उनका सघोषीकरण हो गया। जैसे भवति है जिसमें त है, इसमें कम हवा वायु निकलती है, तो ये और अघोष भी है, तो इसका सघोषीकरण हो गया, यानी त की जगह द होने लग गया, विकल्प का विगल विगल हो गया। और महाप्राण व्यंजनों जैसे ख घ थ ध और भ ह का, भ का ह में रूपांतर हो गया, ये जो ख घ थ ध भ थे उनका ह हो गया, जैसे वधु का बहु, मेघ का मेह, मुख का मुह, और जो छ है क्षत्रिय वाला छ उसका क्या हो गया, कख हो गया। और सघोषीकरण की प्रवृत्ति इस प्राकृत की सबसे अधिक मात्रा में है, इसमें जो सघोषीकरण है जो शब्दों का गले से ज़्यादा बोलने वाले शब्दों का हो गया, जो अपने राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे अपन जिनका ऐसे कई शब्द जिनको तो हम उच्चारण दूसरी जगह से, तो उनको भी हम गले से ही बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सघोषीकरण में ज़्यादा हो गया, इसकी विशेषता है। जो अतिथि है उसका अतिथि, सती का सदी, ये हो गया। लास्ट हो गई अपनी जो महाराष्ट्री, लास्ट हो गई अपनी महाराष्ट्री प्राकृत, जो महाराष्ट्री प्राकृत है उसके बारे में अक्सर ये भ्रम होता है, कई लोग मानते हैं कि जो महाराष्ट्री जो प्राकृत थी वो महाराष्ट्र के ही क्षेत्र में बोली जाने वाली थी, लेकिन ये जो महाराष्ट्रीय प्राकृत है वो प्राकृत कहते हैं पूरे भारत की, जो एक महान राष्ट्र की प्राकृत बोली है, ये पूरे भारत की भाषा थी। और जो प्राकृत का जो साहित्य है वो लगभग लगभग 80% इसी भाषा में देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्रीय प्राकृत में देखने को मिलता है, और ये भ्रम है कि इसका संबंध महाराष्ट्र प्रदेश से है, पर जबकि ऐसा नहीं है, वस्तुतः ये उत्तर भारत की ही एक सामान्य और परिनिष्ठ भाषा थी, ये उत्तर भारत की भाषा थी। दंडी एक आचार्य हुए हैं, काव्य शास्त्र में बहुत योगदान दिया है, उन्होंने प्रकृष्ट प्राकृत कहा है इसको। ठीक है, और प्राकृत भाषा के विशिष्ट विद्वान हार्ले ने
स्थापना की है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का अर्थ महान राष्ट्र है, यानी कि महाराष्ट्र का जो अर्थ है वो महान राष्ट्र है, और प्राकृत का जो 80% ललित साहित्य है, 80% वो इसी भाषा में देखने को मिलता है। महाराष्ट्रीय प्राकृत की प्रमुख भाषिक विशेषताएं क्या क्या हो गई कि दो स्वरों के बीच आने वाले अल्प प्राण व्यंजनों, जो दो स्वरों के बीच में आते हैं अल्प प्राण व्यंजन, जैसे क हो गया, ग हो गया, च और ज, त, द, य का लोप हो गया, ये सब गायब हो गए। जैसे रजत का र और ज, ये ज और त हो गया ना, ये अल्प प्राण व्यंजन आ गए, तो इसमें क्या हो गया, ज और त दोनों का लोप होके सिर्फ स्वर स्वर रह गए बीच में, तो र हो गया। लोक ह का हो गया लो ओ, क्योंकि जो इसमें देखने को मिलता है कि ओ क्यों हो गया भैया, तो ये अ था, अ का प्राकृत के अंदर क्या हो गया, ओ की मात्रा हो गई, तो ये इसके अंदर क हट गया, क हटने पे पीछे क्या बचा, अह स्वर बचा, तो उसका अह स्वर का ओ हो गया, ठीक है। महाप्राण व्यंजनों जैसे ख, ग, थ, ध आदि का ह हो गया, जो महाप्राण व्यंजन थे उनका ह हो गया, अल्प प्राण का क्या हो गया, अल्प प्राण का लोप हो गया, वहाँ सिर्फ स्वर के बीच में जो स्वर बचे थे वही रह गए, और जो महाप्राण है उसके ह हो गया, जो ख था, द था, ध, ख, ग, थ, द का सिर्फ ह हो गया, जैसे सखा का सहा, मधुर का महूर, और जो क्षत्रिय का था क्ष था उसका कख हो गया, कख और चच्छ में रूपांतरण हो गया, जैसे कुक्षी का कुछी, इक्षु का उकु, ये हो गया, जो न था उसका अण में रूपांतरण हो गया, जो न है उसको अण में बदल दिया गया, जैसे अर्जुन का अय्यण हो गया, ठीक है। और जो लास्ट में पंचाक्षर के अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होना, जो लास्ट वाला जो पंचाक्षर होता था, जो आज भी अपने हिंदी में देखने को मिलता है, पंचाक्षर का क्या हो गया, अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होने लग गया, ये जो गंगा आज भी हम ऐसे ही लिखते हैं गंगा को, जब ये, हाँ ये अपने ध्यान रखना, जब भी किसी शब्दों में ऊपर बिंदी लगाई जाती है तो उसके पीछे वाला इसका जो जो अगला बिंदु से चंद्र बिंदु के अगला जो शब्द होता है उसका पंचाक्षर, पंचाक्षर जो लास्ट वाला अक्षर होता है वही इसके आधा आएगा, जैसे गंगा में ये आ गया, ये मज्जन में ये अ आ गया, अह, ठीक है। इसके अलावा कई जगह अपन और भी शब्द होंगे जिसमें किसी में पीछे जैसे आ रखा होगा ट, ठ, ड, ण की मात्रा आ रखी होगी, उसमें ण आएगा, ठीक है, ये देखने को देखेंगे अपन। ये मंजन का मंजन हो गया, और महाराष्ट्रीय जो प्राकृत है उसमें संज्ञा के अधिकरण कारक में अमी प्रत्यय लोकमी, अमी प्रत्यय का जुड़ने लग गया वो, जैसे लोकमी का लोक में, प्रत्यय मतलब इसके साथ में ही जुड़ने लग गया लोकमी यानी लोक में, अपादान कारक में अही प्रत्यय जुड़ने लग गया लोकाही यानी लोक से, स्थापना होना भी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा रही थी, यानी कि ये आगे हिंदी के और भी कई चीज़ें इसमें देखने को मिलती है जिससे आगे हिंदी भाषा का विकास हुआ। और ठीक है, तो ये थे आपके प्राकृत के प्रकार, कल अपन पढ़ेंगे अपभ्रंश, ठीक है, धन्यवाद।